जो कि उन्होंने कहा था कि हमने वादे के मुताबिक हमारी नई वेबसाइट, जैसा कि आप सभी लोगों ने कल देखा था और इसका मैंने आप सभी को अपडेट भी दिया था, और आने वाली 4 जुलाई को फिर से एक नई वेबसाइट भी आने वाली है। तो सर ये जो वेबसाइट है हमने देखी भी है, कई लोगों ने चेक भी की है, वाकई में इतनी जबरदस्त थी। इस वेबसाइट के बारे में आपकी क्या राय है सर? बिल्कुल संपत सर, एक्चुअली ये जो वेबसाइट है, अभी तो सिर्फ आपको उसका देखा जाए तो आपको 1%, अगर मैं कहूँ कि सिर्फ आपने अभी 1% देखा, अभी 99 बाकी है। क्योंकि जब वो डेली बेसिस वो मूव होगा, डेली बेसिस जब चेंजेस होगा वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट स्टाइल, कैटेगरी, मंथ्स, उसका आइकॉन, वो सारी चीजें जब चेंजेस होता रहेगा डे बाय डे, तो आपको रियल पता चलेगा कि ऑन पैसिव कितना बड़ा है। क्योंकि उस वेबसाइट के अकॉर्डिंग आपको बिजनेस मिलना है, ठीक है। अब आपके पास जितना मतलब, अगर इसका मैं एग्जांपल दूं कि अगर आपके पास कोई अच्छा शॉप है और आप उसको बहुत यूनिक डिजाइन, आपने उसको मतलब एक अट्रैक्शन लुक्स आप उसको दिया है, और आपकी लोकेलिटी हो, आपके स्टेट में कोई कंपेयर ही नहीं है उसका, कोई भी कंपेयर नहीं है, ना हो सकता है, तो वहां पे विजिट करने के लिए लोगों का क्राउड लगेगा कि आप एक यूनिक चीज हो, आपको देखने के लिए लोग आएंगे। और जब वहां पे विजिट करेंगे तो लोगों का जो डिमांड है, वहां अगर उसको मिलता है, वहां से फुलफिल किया जाएगा। तो वेबसाइट का काम ही यही है कि बहुत सारे जो अभी वेबसाइट है, बहुत सारी चीजें, तो ये विजिट करेंगे लोग, और विजिट करने के बाद यहाँ पे जो परचेसिंग सिस्टम है वहां से स्टार्ट होगा टूल्स का। तो कुछ चीजें ऐसे यूनिक बनाया गया है, ये तो एक एक पार्ट है, एक स्टेप है। तो अभी बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे ऑन पैसिव खुद का ये कर रहा है, अभी हमारा वेबसाइट, हमारा डोमेन बाकी है, और इस तरह से 14 मीन जितने भी हमारे एक्चुअल फाउंडर जब काउंटिंग हो गए, ये तो अभी 1.4 हम लोग अपने कैलकुलेशन पे बता रहे हैं, पर इसका रियल डाटा तभी होगा जब वहां पे फाउंडरशिप परमानेंटली सारा क्लोज हो जाएगा, पेंडिंग फाउंडर रिमूव होगा, तब वहां पे एग्जैक्ट जो नंबर्स फिगर है वहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसका जो डाटा, जब उसका वेबसाइट रेडी होगा, तो ये और भी कुछ ज्यादा यूनिक होगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में अराउंड अगर बोला जाए तो मिलियंस ऑफ वेबसाइट है, मगर मिलियंस ऑफ वेबसाइट में कुछ मिलियन जो वेबसाइट है वो बहुत क्लास ऑफ कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल ये है कि जैसे अमेजोन है, और आपका विप्रो वेबसाइट, मतलब इस तरह से डेवलप वेबसाइट जिसको कहा जाता है, वो एक अलग कैटेगरी पे है। और हमारा एक प्लेटफॉर्म पे इतना सारा वेबसाइट डिजाइन होगा, पर डे चेंजेस होगा, और उसके बिहाफ में कस्टमर विजिट करेंगे, उसको एक अलग लुक्स दिखेगा। तो ये इसका एक बहुत अट्रैक्ट होने वाली, मतलब बिजनेस में अट्रैक्ट हो करके, और उस बिजनेस को लोग क्यों, मतलब एक्चुअली उसमें आएंगे क्यों, रीजन ये है कि जब आपके पास कुछ यूनिक फीचर्स, कुछ अट्रैक्शन दिखेगा, तभी लोग उसमें विजिट करेंगे और उसमें उन चीजों को परचेस करेंगे। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक इसी से रिलेटेड में मेरा पर्सनल आपसे सवाल करता हूँ सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी प्लीज संपर्क। जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि जबकि अभी आपको भी पता है कि मतलब ये हमारे जो प्रोडक्ट बिकने स्टार्ट हुए नहीं है, तो ये मैं देख रहा हूँ पिछले हर सप्ताह में नई नई वेबसाइट चेंज हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है, तो क्या ये लोगों के पास अभी जा रही है? क्योंकि पिछली जो वेबसाइट थी इससे भी बेटर थी, ऐसा नहीं है कि वो भी कोई कम थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है सर, ये अगर जो चेंजिंग है, अगर हार्ड लॉन्च या जब प्रोडक्ट हम शेयर कर सकते उस टाइम हो तो कितना बेटर रहेगा सर, इसके बारे में कोई अगर आप बताना चाहे तो। बिल्कुल संपत सर, एक्चुअली अगर मैं बोलूं कि ये अभी टेस्टिंग मोड है, टेस्टिंग मोड की जो अभी हमारा जो टूल्स है वो अभी वेबसाइट में ऐड हो करके अभी कस्टमर तक नहीं गया, क्योंकि अभी हमारा फाउंडरशिप परमानेंटली क्लोज नहीं है, ठीक है। तो ये अभी टेस्टिंग मोड में है, जो अभी हम लोग चेक कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, पर ये फाइनलाइज हो जाएगा विद इन 1 वीक या 10 डेज के अंदर, जब भी हो ये फाइनलाइज हो जाएगा। हो सकता है कि एक नेक्स्ट जो राउंड टेबल हो वहां पे क्लोजिंग अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद से जो
हमारा जो वेबसाइट है उसमें टूल्स ऐड करके वो मार्केट में लॉन्चिंग के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि कस्टमर विजिट करने के लिए रेडी है, क्योंकि एग्जैक्ट जो कस्टमर है हमारे पास, रियल कस्टमर जिसको कहा जाता है, वो वेट कर रहे हैं। उसका जो 1 मिलियन से लेके 10 मिलियन का जो कस्टमर है, जो हम लोगों को प्रोडक्ट परचेस करने के लिए ऑन पैसिव का टूल्स को यूज करने के लिए वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट एक्चुअल कस्टमर है हम ऑन पैसिव के पास, जो ऐश ने कहा। तो ये कब होगा? जब हम उस वेबसाइट, हमारा फाउंडरशिप क्लोज हो जाएगा परमानेंटली, जब हमारा वेबसाइट रेडी होगा, हमारा इंडिविजुअल डोमेन रेडी होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड लॉन्च के बाद ही हमारा ऑन पैसिव का जो वर्क है वो चालू होगा या कैंपेनिंग चालू होगा जहाँ कस्टमर विजिट करेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम हार्ड लॉन्च से पहले ही ऐश इन सारी चीजों को अपडेट करके मार्केट में लॉन्च करना चाह रहा है। मीन्स अगर हम मार्केट में पहले आएंगे, क्योंकि अभी हमारा टूल्स को हाईलाइट करना है, टूल्स उन चीजों को देखना है, क्योंकि आप कुछ चीजें, अब यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू आती है एज अ लीगल और गवर्नमेंट वे से। अगर मैं इसको देखूं, बहुत सारी चीजों को आप जब लॉन्ग टर्म से आप उसमें काम करते हो, और अगर आप किसी नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट से अगर आप किसी अप्रूवल चाहते हो किसी चीज के लिए कि हाँ ये चीज, तो वो कहीं ना कहीं आपको चेक होता है कि हाउ लॉन्ग यू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड व्हेन यू आर स्टार्टेड, आप कब इन चीजों को स्टार्ट करो, एक सर्टेन टाइम होता है। सो आई होप दैट टाइम जो है अभी ऑलरेडी हम लोगों के पास आ चुका है, क्योंकि अब हम उन चीजों को उसमें ऐड करके मार्केट में लॉन्च करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है कहीं ना कहीं। तो अब हम उन चीजों को जब लॉन्च करेंगे, जब उन मार्केट में हम उन चीजों को सेल आउट करेंगे, कस्टमर विजिट करेगा, तब एक्चुअल हम जो कंपनी है वो उसमें काउंट होगा कि हम एक्चुअल कंपनी है। अभी हम प्रोसेस में है, अभी हम एज अ कंपनी के पार्टनर है, तो वो एक स्टेप अलग है, क्योंकि हम अभी फाइनलाइज वर्ल्ड वाइड लॉन्च नहीं कर रहे हैं। बट एज सुन एज पॉसिबल जब हम इन चीजों को अपने सिस्टम के साथ एज ऐड करेगा, मार्केट में टूल्स जब मतलब सेल आउट के लिए जब दिया जाएगा, कस्टमर उसमें विजिट करेंगे, उसको परचेस करेंगे, तो वो काउंट हो जाएगा। वो सारा का सारा सेल जो जनरेट होगा कहीं ना कहीं सिस्टम पे, आपको वो काउंटिंग, वो आपको वैल्यूबल जो अमाउंट वो आपको दिख रहेगा, वो सिस्टम पे रहेगा। क्योंकि जब हम सेल करेंगे, जब किसी चीज को कोई परचेस करता है, तो वो परचेस क्यों करता है और कहाँ पे करता है, तो ऑन पैसिव के सिस्टम के अंदर आता है। तो हर एक चीज उसमें ऐड होने के बाद वो लॉन्चिंग से पहले ही सारा स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ऐश, अगर लास्ट वेबिनार की अगर हम लोग बात करें, तो लास्ट वेबिनार पे भी ऐश ने कहा कि हम उन चीजों को पहले से ही रेडी करेंगे जब हम हार्ड लॉन्च के अनाउंस करेंगे। अगर आप उन चीजों को देखना चाहते हो, और जब आप परचेस टूल्स सॉरी पैकेज परचेस करके आप जब हार्ड लॉन्च की तरफ जाओगे, और वन डे मतलब कि एक दिन जब हार्ड लॉन्च जिस दिन हो रहा है, जिस दिन हम लोग मतलब वर्ल्ड वाइड अनाउंसमेंट कर रहे हैं हार्ड लॉन्च के लिए, जब हम लोग आ रहे हैं मार्केट में, उस टाइम पे जब आप मतलब पैकेजेस परचेस करके आप रेडी रहोगे, तो आपके वॉलेट में वो एनफ सर्टेन अप अमाउंट दिखेगा जो आपने परचेस किया है, वो अमाउंट डिडक्ट करने के बाद भी आपके वॉलेट में दिखेगा। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा जो ये प्रोसेस है, ये हमारा जो इनकम जो जनरेटिंग सिस्टम है, ये पहले से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत सारी इसका क्राइटेरिया, बहुत सारी रीजन है जिसको स्टार्ट करना हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और एक रियल बिजनेस को हम लोग स्टार्ट करके वर्ल्ड वाइड ला भी रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हम लोगों के पास सारा प्रोसेस अब कंप्लीट है। जी संपत सर, जी, इसका मतलब ये साधारण भाषा में अगर हम